बानसूर में विद्युत विभाग की ओर से बड़ी कार्यवाही करते हुए बानसूर क्षेत्र में बिजली के बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के करीब 20 कनेक्शन काटे गए और 3 लाख रुपए की रिकवरी की गई। सहायक अभियंता सीएस मीणा ने बताया कि बानसूर क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपए बकाया है और विभाग अब करीबन 2000 से अधिक कनेक्शन काटने की कार्यवाही कर सकता है, जिसकी शुरुआत बानसूर शहर से की गई और आज लाइनमैन संतोष सैनी और एक एफआरटी की टीम ने अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए करीब 20 कनेक्शन काटे गए और 3 लाख की रिकवरी की गई। संयुक्त अभियंता सीएस मीणा ने बताया कि विभाग की ओर से उपभोक्ता को बिजली का बिल जमा कराने पर छूट दी जा रही है। वहीं बिजली विभाग में बिजली का बिल जमा कराने के लिए शनिवार तथा रविवार को भी विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। लोगों से बिजली विभाग के अधिकारियों ने अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपना बिजली का बिल जो है वो जमा कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ बिजली विभाग कनेक्शन काटने की कार्यवाही लगातार करता ही रहेगा। इस मौके पर हरिओम सेन और राजेश यादव, लाइनमैन भूपेंद्र, योगेंद्र शेखावत सहित बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। स्थिति में क्या है कि अब आप जैसा आप देख ही रहे हो, पिछले मार्च में भी बहुत हमें युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा तो हम 100% को क्रॉस कर गए थे। इस बार भी हमने अभियान पर मंथ छेड़ा हुआ है, उससे पिछली साल के बनस्पत हम काफ़ी आगे चल रहे हैं और अब भी हमारा अभियान रेगुलर जारी है और हम 100 को क्रॉस करने का पूरा प्रयास करेंगे। कस्बा शहर में करीब 1.5 से 2 हज़ार कंज्यूमरों पर बकाया है, जो लगभग करीब 1.5 करोड़ रुपए बकाया है, उनको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कनेक्शन काटने की जो बिल जमा नहीं करवा रहे हैं उनको एक मौका देकर, यदि वो जब भी जमा नहीं करवाता है तो उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ना उनको बार बार अपील की जाती है वो जमा करवाओ, अन्यथा उनके ऊपर DCR भरकर पेनल्टी कर दी जाएगी।